हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की ऊपर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो बिल्कुल ज्वाइन हो जाइए। वहाँ आपको लाइव मार्केट में कुछ अपडेट देखने को मिल जाएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के ऊपर हम आज का कारोबार पहले देख लेते हैं। करंट प्राइस हमें देखने को मिल रहा है 7248 रुपीज़ माइनस। आज हमें देखने को मिला इसमें 99 पैसे का। परसेंटेज वाइज हम देखेंगे बहुत कम माइनर परसेंटेज में हमें गिरावट देखने को मिला है। दोस्तों, यह स्टॉक आज सुबह हुआ मॉर्निंग में ओपन हुआ था 7264 रुपीज़ 90 पैसे के भाव से। हाई लगाया है इसने आज का 17338 रुपीज़ का। दोस्तों, लो हमें देखने को मिला टुडे का 7216 रुपीज़ का। ये हो गया दोस्तों आज के लिए इम्पोर्टेंट, जो कारोबार हुआ है इन्हीं रेंज में हुआ है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की ऊपर का। दोस्तों, करेंट पी रेशियो हमें अभी देखने को मिला है 49 का। मार्केट कैपिटलाइजेशन मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का हो गया है 2.19 ट्रिलियन का। दोस्तों, 1 वीक का हाई हमें देखने को मिला है इसमें 8329 रुपीज़ का। 1 वीक का लो इसने हमको दिखाया दोस्तों 4001 रुपीज़ 10 पैसे का। ये हो गया मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की ऊपर आज के कारोबार दोस्तों। और अब हम चलेंगे चार्ट के ऊपर, वहां देखते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं और कौन से लेवल्स के ऊपर हम बाइंग करके जाएँ या सेलिंग का अपना व्यू बनाए, इन सभी बातों को हम जानेंगे चार्ट के ऊपर। तो दोस्तों, चलते हैं चार्ट के ऊपर बिना टाइम गंवाए। फ्रेंड्स, फाइनली मैं चार्ट के ऊपर आ गया हूँ मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के ऊपर। फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए देख रहे हैं 50 मिनट्स का टाइम मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ देखने के लिए। दोस्तों, ऊपर के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में हमें जो भाव देखने को मिल रहा है, वो करेंट प्राइस हमें मिल रहा है, वह है 7464 रुपीज़ का। फ्रेंड्स, उसके ऊपर सेकेंड रेजिस्टेंस लेवल हमें देखने को मिल रहा है, वो है 7324 रुपीज़ का। ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में ऊपर के लिए हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ, रेजिस्टेंस 1 हो जाएगा 7324 रुपीज़ का। उसके ऊपर दोस्तों रेजिस्टेंस सेकेंड हमें देखने को मिल रहा है 7464 रुपीज़ का। ये इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में ऊपर के लिए हमको देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, नीचे के लिए हम आ जाते हैं, इम्पॉर्टेंट लेवल्स निकालते हैं। दोस्तों, नीचे की लाइन के ये जो प्राइस है 7231 रुपीज़ का, ये इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में हमें देखने को मिल रहा है। उसके नीचे दोस्तों ये सपोर्ट एरिया हमको देखने को मिल जाएगा 7073 रुपीज़ का। ये जो प्राइस है इस भाव के जो का जो प्राइस है, यह हमको देखने को मिल जाएगा इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में। तो दोस्तों, यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ, सपोर्ट 1 हो जाएगा आपका 7231 रुपीज़। उसके नीचे दोस्तों सपोर्ट दूसरा हमको देखने मिल रहा है 7070 रुपीज़ का। ये जो प्राइस है दोस्तों, ये नीचे के लेवल्स हैं, महत्वपूर्ण हैं, इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में हमें देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, अब नेक्स्ट ट्रेडिंग डे हम क्या प्लान कर सकते हैं, इस बारे में हम चर्चा करते हैं। आज से और कल के कुछ टाइम फ्रेम दोस्तों आपको यहाँ पे सॉलिड समझ में आ रहा होगा। ये देखिए, ये जो लाइन बन रहा है दोस्तों ऊपर के लिए, ये इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में हमको देखने को मिल रहा है। तो नेक्स्ट ऊपर के लिए दोस्तों, ये कब हम ब्रेकआउट मानेंगे या कब हमको एक मूव देखने को मिलेगा रिटर्न मारुति स्टॉक्स के ऊपर, दोस्तों इस लाइन के ऊपर जैसे ही ये ब्रेक कर जाएगा, इसके बाद ही हम एक मूव इसमें देख पाएंगे। तो इस बात को हम अपने माइंड में रखेंगे। दोस्तों, नीचे के लिए दोस्तों ये देखिए, ये जो लेवल्स हैं, ये लाइन है नीचे का जो सपोर्ट एरिया, दोस्तों ये भी इम्पॉर्टेंट लग रहा है हमको, क्योंकि ये देखिए फर्स्ट टाइम टेस्ट हुआ, सेकंड टाइम इधर भी टेस्ट हो रहा है। दोस्तों, ऊपर तो टेस्ट हो ही रहा है, नीचे भी टेस्ट हो रहा है, ऐसे करके ऊपर नीचे इस तरीके से कंसोलिडेशन फेज में यहाँ पे मारुति अपने आप को रखा हुआ है। ये देखिए, इस तरीके से मैं बनाऊँ तो
ये देखिए अभी इस लाइन को जिधर भी ये ब्रेक करेगा एक मूव हमें देखने को मिलेगा, अपसाइड भी मिल सकता है डाउन साइड भी मिल सकता है। तो हम पहले से प्री प्लानिंग रहेंगे दोस्तों कि हम क्या प्लान कर रहे हैं। नीचे के लेवल्स दोस्तों 7231 रुपये का लेवल्स है, 7231 या 32 का प्राइस का ये लेवल्स दोस्तों, इसके नीचे हम सेल करके जा सकते हैं। मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ हमारा सेल प्राइस हो जाएगा दोस्तों 7230 रुपीज़ का प्राइस, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा सेल के लिए। अगर नीचे आता है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का स्टॉक्स, तो इस कंडीशन में हमारा इस दौरान स्टॉप लॉस दोस्तों 7280 रुपीज़ का रहेगा दोस्तों। ये हमारा एसएल लग जाएगा क्योंकि मैं यहाँ का हम एसएल रखेंगे दोस्तों, तो उसी आसपास के भाव बन के आएंगे, तो ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। टारगेट दोस्तों आप हम अपने अनुसार बना सकते हैं। मैं मेरा टारगेट आपको दूँ तो 7100 आपका 30 रुपीज़ फ्रेंड्स 100 पॉइंट्स का आप रख सकते हैं अपना टारगेट। 50 पॉइंट्स का आप ऊपर के लिए स्टॉप लॉस मेंशन कर सकते हैं, और इस लेवल के नीचे आता है तो हम सेल करके जाने वाले हैं मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड को नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, इस भाव को आप अपने लेवल्स को आप नोट कर सकते हैं दोस्तों। आगे ऊपर के लिए दोस्तों, ऊपर के लिए मैंने आपको निकाल रखा है ये लाइन, अगर ऊपर की ओर ब्रेक हो जाता है दोस्तों इस तरीके से, तो हमको जो इंटर करना है री एंटर हमारा रहेगा, जो एंट्री प्राइस या बाई प्राइस हमें यहाँ टाइप करने ज़्यादा बेस्ट रहेगा दोस्तों। बाई प्राइस हमारा रहेगा 7325 रुपीज़ के अबव जाएगा तो दोस्तों हम बाइंग करके जा सकते हैं मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड को इंट्राडे के लेवल्स के लिए दोस्तों। इस कंडीशन हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा दोस्तों इस लाइन के नीचे का रहेगा, तो एसएल हम नीचे 50 पॉइंट का रख सकते हैं, यहाँ से हम 50 पॉइंट माइनस कर देंगे तो दोस्तों 7275 रुपीज़ हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा फ्रेंड्स। इसके ऊपर अगर हम देखें तो टारगेट हमारा 100 पॉइंट्स का आप रख सकते हैं, या आपके ऊपर है किस तरीके से आप बना रहे हैं दोस्तों। मैं यहाँ आपको बाई एंड सेल दोनों का टारगेट्स एंड लेवल्स क्यों प्रोवाइड करा रहा हूँ आपको समझ आया होगा, क्योंकि यहाँ पे हम ये देखिए यहाँ पे कुछ नहीं कहा जा सकता है कि मार्केट नीचे जाएगा या मार्केट ऊपर निकल जाएगा, तो हम जब भी नीचे आए या ऊपर जाए हम अपना पोजीशन बिल्कुल क्रिएट करेंगे। हो सकता है कल भी ये साइडवेज पैटर्न बना के रहे, इसी एरिया में कंसोलिडेशन चलता रहे मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के ऊपर, बट वेट करेंगे हम, जब भी ये ब्रेक करेगा हम अपना पोजीशन बिल्कुल बनाएंगे, अपसाइड जाए तो भी एंड डाउन साइड जाए तो भी दोस्तों। ज़्यादा उम्मीद हमें लग रहा है अपसाइड का, क्योंकि यहाँ से देखिए एक पुल एंड फ्लैग पैटर्न का निर्माण होते हुए हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ से मार्केट एक ट्रेंड में ऊपर की ओर निकला, इसके बाद जाने के बाद यहाँ साइडवेज पैटर्न में है, अगर ब्रेक करेगा तो दोस्तों एक बड़ा मूव हमें देखने को मिल जाएगा, लेकिन अगर ये गोल घूम के ऐसे गिर जाता है तो वापस से या इसी रेंज के आसपास आ जाएगा, तो दोस्तों इस बात को फिर नोट आउट करके हमें चलना है। अगर यह स्टॉक कल भी नहीं ब्रेक करता इसके आसपास धीरे धीरे इस तरीके से गिरेगा तो एक गोल आकार के आकार में यह नीचे की ओर आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है, तो इस बात को भी हम ध्यान में रखेंगे। इसलिए मैंने आपको दो लेवल्स प्रोवाइड करा दिए हैं, इसके लिए ऊपर का भी और नीचे का भी, जिधर भी ब्रेक होगा एक मूव हमें देखने को मिलेगा, वहाँ हमको 100 से 150 पॉइंट आराम से कैप्चर हो जाएगा मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के ऊपर। तो ये हो गया चार्ट के अनुसार दोस्तों। अब हम चलेंगे investing.com की वेबसाइट में, वहाँ देखेंगे इंपॉर्टेंट इंडिकेटरों के संकेत क्या क्या निकल के आ रहे हैं, और मूविंग एवरेज के जो सिग्नल्स हैं वे क्या दिखा रहे हैं हमको, तो इन सब बातों को हम investing.com की वेबसाइट में जानते हैं। वहाँ से हमारा जो व्यू होगा उस साइड का ज़्यादा इंडिकेशन जिधर मिल रहा होगा उधर का भी व्यू हम 60-40 का रख सकते हैं अपने अनुसार दोस्तों। चलते हैं हम investing.com की वेबसाइट में बिना टाइम वेस्ट किए। फ्रेंड्स फाइनली मैं investing.com की वेबसाइट में आ गया हूँ। करंट प्राइस हमें देखने को मिला है यहाँ 7259 रुपीज़ 50 पैसे का दोस्तों।
यहाँ मैंने टेक्निकल लगा लिया है। 1 आवर के टाइम फ्रेम में हम चेक करेंगे। सबसे पहला जो समरी हमारे सामने निकल के आ रहा है दोस्तों, इन इंडिकेटरों का वो स्ट्रॉन्ग बाइंग का संकेत हमको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे नीचे हम देखते हैं मूविंग एवरेज दोस्तों, इससे जो संकेत हमको देखने को मिल रहे हैं वे हैं बाइंग के 7 मूविंग एवरेज बाइंग के सिग्नल दे रहे हैं, बाकी 5 मूविंग एवरेज हमको सेल का संकेत प्रोवाइड करा रहे हैं। नीचे हैं टेक्निकल इंडिकेटर में दोस्तों, हम देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग बाइंग का संकेत देखने को मिल गया है, क्योंकि यहाँ 7 इंडिकेटर ऐसे हैं जो बाइंग के हैं, वह एक भी इंडिकेटर ऐसा नहीं है जो हमको सेल का संकेत दे रहा हो या सिग्नल प्रोवाइड करा रहा हो। एक एक करके हम चेक करते हैं। सबसे पहले मूविंग एवरेज से स्टार्ट करेंगे दोस्तों, MA5 ये जो डेटा है वे सिंपल मूविंग एवरेज के हैं, और इधर जो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का है। दोस्तों सिंपल मूविंग एवरेज में के जो डेटा है उनसे MA5 का जो संकेत निकल के आ रहा है आपके सामने है, सेल के संकेत दिखा रहे हैं दोनों। नीचे हम MA10 में चेक करेंगे, यहाँ भी हमको सेल संकेत देखने को मिल रहा है। ये सिंपल है के डाटा है, ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के डाटा है दोस्तों। नीचे हम आ जाते हैं MA20 दोस्तों, यहाँ देखेंगे हमें मिल रहा है बाइंग का सिग्नल दोस्तों, यहाँ हम भी हमें बाइंग संकेत मिल गया है। MA50 में हमें यहाँ भी बाइंग का संकेत देखने को मिल रहा है, यहाँ भी बाई संकेत देखने को मिल गया है। MA100 दोस्तों, यहाँ भी बाई हंड्रेड सॉरी बाई सिग्नल देखने को मिल गया, बगल में भी बाई सिग्नल देखने को हमको मिल जा रहा है दोस्तों। MA200 चेकआउट करते हैं, यहाँ भी हमको सेल सिग्नल मिल रहा है, यहाँ सेल सिग्नल मिल गया। समरी दोस्तों निकल के आ रहा है यहाँ 7 इंडी जो मूविंग एवरेज है वे बाइंग के संकेत प्रोवाइड करा रहे हैं हमको। नीचे सेल जो है वे ओनली 5 इंडिकेटर ही हैं। समरी जो निकल के आया हुआ बाई का सिग्नल हमको देखने को मिला। टेक्निकल इंडिकेटरों को हम चेक करते हैं। सबसे पहले RSI 14 से स्टार्ट करेंगे दोस्तों, ये डाटा जो है RSI 14 का है, इससे जो संकेत निकल के आया वो बाइंग का है दोस्तों। नीचे स्टोकास्टिक 986 है का ये डेटा है, यहाँ से हमको देखने को मिल रहा है न्यूट्रल सिग्नल है। यहाँ ये डाटा जो है ये स्टोकास्टिक RSI 14 है, यहाँ हमें ओवरसोल्ड का संकेत देखने को मिल रहा है। उसके नीचे हम चेकआउट करते हैं 12 एंड 26 है, MACD का क्रॉस ओवर दोस्तों, यहाँ से हमको बाइंग का सिग्नल देखने को मिल रहा है। उसके नीचे ATR 14 दिया गया, इसका डाटा है दोस्तों। इससे जो सिग्नल निकल के आ रहा है वह हमको लेस वोलेटिलिटी का देखने को मिल रहा है। नीचे हम देखते हैं DX 14 है दोस्तों, इसका डाटा ये है, यहाँ हमको सिग्नल बाइंग का देखने को मिल गया। नीचे CCI 14, यहाँ हमको न्यूट्रल संकेत देखने को मिल रहा है। नीचे आ जाते हैं High and Low 14 दोस्तों, यहाँ हमको न्यूट्रल संकेत देखने को मिल रहा है। उसके नीचे हम चेकआउट कर रहे हैं UO दोस्तों, इसका डाटा है UO का, यहाँ हमको बाई का सिग्नल देखने को मिल गया। उसके नीचे ROC दिया गया दोस्तों, ROC का डाटा जो हमको दिखा रहा है उससे सिग्नल निकल के आया, वो हमको बाइंग का दिखा रहा है। उसके नीचे है विलियम्स R दोस्तों, या इसका डाटा हम भी हमको बाइंग का संकेत देखने को मिल गया। नीचे हम Bull and Bear Power 13 दोस्तों, इसका डाटा है ये, यहाँ से संकेत निकल के आया वह हमारे लिए बाइंग का है। समरी हम चेकआउट कर पा रहे हैं, बाइंग के जो सिग्नल प्रोवाइड कराने वाले इंडिकेटर हमें 7 है, एंड न्यूट्रल रहने वाले जो संकेत हैं वे हैं 3 इंडिकेटर से हैं जो न्यूट्रल के सिग्नल हमको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो समरी देख पा रहे हैं आप, बाइंग के संकेत हैं, हम बाइंग साइड ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं, क्योंकि चार्ट में जो पैटर्न हमको देखने मिला दोस्तों नीचे गया, नीचे जाने के बाद एक कंसोलिडेशन फेज में अभी चल रहा है, तो ब्रेक होगा। जैसे ही ये साइडवेज पैटर्न जो है वह हमको एक मूव देखने को मिल सकता है ऊपर साइड, तो ऊपर साइड के लेवल्स मैंने आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ चार्ट के ऊपर। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। फाइनली अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही वीडियो को शेयर बिल्कुल कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।